अगर आप लोगों ने बी एस एफ ट्रेडमिन में सत्ताईस सौ अठासी पोस्टों के लिए फॉर्म भरा तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन लेके हैं जो कि आपके जी के के रहने वाले हैं इस वीडियो में जी के के और करंट अफेयर के दोनों क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं आप लोगों को बता दें इससे पहले हम सैंतीस वीडियो अपलोड कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट है तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका सिलेबस रहने वाला है सौ क्वेश्चन आपके आने वाले हैं जीके जीएस जी एस करेंट पेपर मिला के आपके ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आएंगे मैथ के ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आएंगे हिंदी इंग्लिश जो आपको आता है दोनों में से एक कर सकते हो ट्वेंटी क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के ट्वेंटी फ़ाइव घंटे का आपको टाइम मिलेगा एग्ज़ाम में हंड्रेड क्वेश्चन आने वाले हैं और जो कि आपके सौ नंबर के रहने वाले हैं तो अभी हमने दो तीन दिनों से लगभग चार दिन हो गए तब से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया तो हमारे चैनल पर आपको जो है डेली वीडियो मिल जाएंगे तो यहाँ पर चार पार्टों से क्वेश्चन आते तो जी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे हम इस वीडियो में जो करवाने वाले क्वेश्चन हैं जी और करेंट अफेयर के करवाने वाले हैं आपके ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन अगर हम ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा रीजनिंग का हिंदी का भी अपलोड वीडियो है मैथ का आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो तो स्टार्ट करते हैं गाइज पहला क्वेश्चन है इसमें हमने करेंट अफेयर के भी क्वेश्चन सम्मिलित किए आप अपना टेस्ट भी लगा सकते हो कि आपका स्कोर कितना हो रहा है जीके में तो पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है क्या है मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी तो जो हमारा मूल संविधान था उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी उसमें सात थी बाद में क्या हुआ बाद में क्या हुआ इसमें मौलिक अधिकारों की संख्या जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया ये चवालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा चवालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें क्या हुआ चवालीसवें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है ये हटा दिया गया तो अब हमारे जो वर्तमान में बचे हैं मौलिक अधिकारों की संख्या वो कितनी बची हुई है छह बची हुई तो यह चीज भी ध्यान रखें आपके जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए अमेरिका के संविधान से जो है मौलिक अधिकार लिए गए हैं ये भी आप लोग याद रखें ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं जो भारतीय संविधान के भाग तीन में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस में भारतीय संविधान में जो भारतीय संविधान है उसके भाग तीन में जो है मौलिक अधिकारों का जो है उल्लेख है और गाइज आप लोगों को बता दें जो ये भाग तीन है इसको क्या बोलते

क्वेश्चन नंबर दो है बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा दूसरा देश बना है तो बिटकॉइन को हाल ही में मान्यता देने वाला जो है विश्व का दूसरा देश कौन बन गया है तो ये बन गया है गाइज दूसरा देश बन गया मध्य अफ्रीकी गणराज्य और पहला देश कौन बना है तो पहला देश ये बना है पहला देश कौन सा बन गया है गाइज तो ये बना है अल्ब सलवाडोर ये जो पहला देश बना है जो बिटकॉइन को मात्र जो है आधिकारिक तौर पर जो है मान्यता देने वाला तो आपका दूसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन जो है ऑप्शन डी वाला दा वाला सही हो जाएगा पहला देश कौन सा बना है अल्ब सलवाडोर जो है पहला देश बना है जो कि बिटकॉइन को मान्यता देने वाला और दूसरा देन को दूसरा देश कौन सा बना है यह मध्य अफ्रीकी गणराज्य बना है नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर तीन है ये भी संविधान से क्वेश्चन है गाइज आप लोगों को बता दें हर एग्ज़ाम में जो संविधान से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दो तीन क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते ही हैं तो अगर सी आई एस एफ बी एस एफ की अगर आप सी आई एस एफ़ की तैयारी कर रहे हो तो तब भी ये वीडियो आप लोगों के लिए है मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया जो मौलिक कर्तव्य हैं राइज इसमें जो है को संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया जो मौलिक हमारे कर्तव्य हैं और मौलिक अधिकार में आप लोग फर्क समझे मौलिक कर्तव्य अलग हैं और मौलिक जो है जो हमारे मौलिक अधिकार वो अलग हैं मौलिक अगर बात की जाए किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया इसे बयालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा जो है उन्नीस में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों की अगर बात की जाए जो मौलिक कर्तव्य हैं किस देश के संविधान से लिए गए तो ये रूस के संविधान से जो है मौलिक कर्तव्यों को लिया गया मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है ये ग्यारह है गाइज अगर बात की जाए आप जब भी आप जो जो भी बुक आती हैं आप देखोगे जो सरकारी स्कूलों की होती है उसमें मौलिक कर्तव्य लिखे होते हैं ग्यारह उसमें दिया होता है कि आप झंडे का जो है सम्मान करें वो कर्तव्य उसमें लिखे होते हैं अगर बात की जाए गाइज इसका जो है उल्लेख जो है संविधान के भाग चार के काम में मिलता है और अगर बत, बात की जाए कि इसमें जोड़ा गया तो है इक्यावन इक्यावन के तहज इसे जोड़ा गया मूल जो है मौलिक कर्तव्यों को तो इसका राइट आंसर आपका क्या हुआ ऑप्शन बी वाला सही हुआ नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर चार है वीडियो अच्छा लगे तो गाय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्वेश्चन नंबर चार है भारत ने किस देश को हरा इतिहास में पहली बार थामस कप जीता है तो ये भी इम्पोर्टेंट गाइज क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया को तो आप लोग अपना टेस्ट भी लगा सकते हो नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पाँच है इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन को भेजने की घोषणा की है तो इसरो ने जो है एक मिशन शुक्र को जो है भेजने के लिए घोषणा की है कब तक भेजेगा ये पूछा जा रहा है इसमें तो ये दो हज़ार चौबीस तक भेजा जाएगा तो इसरो से संबंधित आप लोग कुछ फैक्ट भी जान लें इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है इसरो की फुल फॉर्म होती है गाइज इसकी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है अगर बात की जाए कि इस इसकी स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना पंद्रह अगस्त पंद्रह अगस्त उन्नीस उनासी जो उनहत्तर में सॉरी उनहत्तर में इसकी स्थापना हुई थी अगर बात की जाए इसके जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो ये सोमनाथ वर्तमान में जो है इसके अध्यक्ष हैं इसरो के तो अगर इसका हेडक्वाटर की बात की जाए हेडक्वाटर कहाँ है इसका बेंगलुरु में इसका बेंगलुरु में हेडक्वाटर है किसका इसरो का तो कुछ ये फैक्ट गाइज आपको एक्स्ट्रा बता देते हैं और इसकी अगर बात की जाए फाउंडर यानी कि संस्थापक कौन थे तो विक्रम विक्रम सारा जो थे इसके संस्थापक थे ये भी आप लोग याद रखें नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर छः है ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है तो जो शेयर जरूर इस वीडियो को करें अपने दोस्तों के साथ किस किस दाल का तूर लाल चना पीजन के नाम से जाना जाता है तो किस दाल को जो है दाल को जो है तूर या लाल चना या पीजन के नाम से जाना जाता है मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज है कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है तो ये गाइज राइट आंसर हो जाएगा आपको जो है अरेहर को जो है तूर का तुर की दाल भी बोलते हैं लाल चना और पीजन के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर सात है इसमें क्या है नेमेरा नेमेरी गाय सॉरी यहाँ पर नेमेरी लिखा है नेमेरी राष्ट्र उद्यान किस राज्य में स्थित है तो नेमेरी राष्ट्र उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में असम में नेमेरी राष्ट्र उद्यान है उसी में क्या है काजी रंगा काजी रंगा राष्ट्र उद्यान जो है ये भी असम में है एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है और यहाँ पर जो है एक और है मानस राष्ट्र उद्यान ये भी कहाँ पर स्थित है ये भी जो है असम राज्य में स्थित है तो ये भी आप लोग याद रखें नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर आपका आठ है इसमें क्या है खुशबुओं का नगर किस शहर को कहते हैं खुशबुओं का नगर किस शहर को कहते हैं तो इसे कन्नौज को कहते हैं नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन लिए हैं ये हर टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं और हर सब्जेक्ट से नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नौ है मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है तो किससे इसका संबंध है आप लोग अपना स्कोर भी बताएं कि आप लोग कितने कर पा रहे हो इस सेट से नेक्स्ट गाइज इसका जो आंसर हो जाएगा मीरा सेठ समिति का संबंध किससे हो जाएगा ये हो जाएगा हथकरघा के विकास से तो हथकरघा के विकास से इसका संबंध है नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर दस है इस क्वेश्चनों की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर जाएँ वहाँ पर क्वेश्चनों की पी डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर गाइज दस है बीमा बैंकिंग चिकित्सा शिक्षा पर्यटन आदि आदि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं तो ये बीमा है और बैंकिंग है और शिक्षा है ये और पर्यटन ये किस क्षेत्र में आते हैं ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं गाइज तृतीय क्षेत्र में ये जो है इसे सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर गाइज है ग्यारह ग्यारह क्या है इसमें क्या पूछा जा रहा है औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है जाना जाता है उसके गुरु का नाम क्या था तो उसके गुरु का नाम इसमें बताता बताना है आपको इसको क्या है जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है ये भी आप लोग याद रखें तो उसके गुरु का नाम था क्या मीर मोहम्मद हकीम जो इसके गुरु का नाम था नेक्स्ट गाइड क्वेश्चन नंबर आपका बारह है बारह में क्या है चौदह सौ बीस में जैन जैन सिंहासन पर बैठा इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे क्या कहा गया तो क्या कहा गया इसे इसे गाइज कहा गया कश्मीर का अकबर आप लोगों को बता दें इसने गौबध को जो है प्रतिबंध लगा दिया था और इसने सती प्रथा पर भी रोक लगा दी थी तो इसके ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइज नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तेरह है तेरह में क्या है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल दासक नदी के किनारे स्थित था उसका क्या नाम है तो ये जो सिंधु सभ्यता का था इसका क्या नाम हो जाएगा ये हो जाएगा सतकांगे डोर ये क्या हो जाएगा ये जो पश्चिमी पुरास्थल था ये बलूचिस्तान में पड़ता था और किस नदी के किनारे था दास नदी के किनारे था अगर बात की जाए यहीं इसकी गाइज पूर्वी स्थल का क्या इसका पूर्वी स्थल कौन सा था तो पूर्वी स्थल इसका हो जाएगा आलमगीर ये आलमगीर हो जाएगा ये कहाँ पड़ता था उत्तर प्रदेश मेरठ में पड़ता था और ये किस नदी के किनारे था यह हिंडन नदी के किनारे था ये जो आलमगीर पड़ता था और नेक्स्ट गाइज अगर बात की जाए नेक्स्ट गाइज बात की जाए इसका जो उत्तरी उत्तरी जो था सिंधु सभ्यता का जो उत्तरी पुरास्थल था वो कौन सा था ये मादा था ये कहाँ पड़ता था ये जम्मू कश्मीर में पड़ता था किस नदी के किनारे चिनाब नदी के किनारे अगर बात की जाए दक्षिणी दक्षिणी में कौन सा पड़ता था दाइमाबाद पड़ता था और ये गोदावरी नदी के किनारे था तो आपका राइट आंसर क्या हुआ ये हुआ आपका आ वाला राइट आंसर हुआ तो ये एक्स्ट्रा आप लोगों को जानकारी दे देते हैं नेक्स्ट गाइड क्वेश्चन नंबर है चौदह चौदह में क्या है प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे कितने क्षेत्रिज कोण से ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए तो इसमें कोण बताना है कि जो है किसी भी प्रक्षेप को अधिक दूरी दूरी तक फेंकने के लिए कितने क्षेत्रिज कोण से ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए तो इसमें ये जवाब देना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैंतालीस के अंश के कोण पर जो हमें प्रक्षेपित करना चाहिए अधिक दूरी तक फेंकने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर पंद्रह है पंद्रह में क्या है राष्ट्रगान रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान ने कब स्वीकार किया तो ये कब स्वीकार किया ये चौबीस जनवरी 1950 को स्वीकार किया था नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सोलह है देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से ये बताना है तो देवधर ट्रॉफी का खेल किस खेल से संबंध है हमें ये बताना है ट्राफी कई बार एग्जामों में गाइज पूछी जाती हैं तो इसका हो जाएगा देवधर ट्रॉफी का संबंध जो है क्रिकेट से हो जाएगा और जो ट्रॉफी है दिलीप ट्रॉफ़ी है और रणजी ट्रॉफ़ी है इन दोनों का संबंध किससे है क्रिकेट से अगर फुटबॉल की बात की जाए तो फुटबॉल से कौन कौन से संबंधित हैं डेंड कप रोबर्स कप और संतोष ट्रॉफी और मर्डेका का भी इनका संबंध किससे फुटबॉल से तो गाइज ये कुछ इम्पोर्टेंट आपकी ट्रॉफियाँ ही इन्हें भी याद रखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर गाइज क्या है सत्रह है शतरंज खेल का जन्मदाता जन्मदाता किस देश को माना जाता है तो शतरंज खेल का जन्मदाता जो है भारत को माना जाता है नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर है अठारह अठारह में क्या है अमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है तो अमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है यह विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर उन्नीस है उन्नीस में क्या न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी चेडविक ने की थी इसका राइट आंसर हो जाएगा चेडविक की अब गाइस बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी तो जे जे थाम्सन ने की थी जे जे थाम्सन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी अगर बात की जाए गाइस प्रोटॉन की खोज किसने की थी तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी गोल्ड स्टीन ने किसने की थी गोल्डस्टिन ने प्रोटॉन की खोज की थी तो ये भी गाइज एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन्नीस का राइट आंसर आपका क्या हुआ डी वाला हुआ न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी चेडविक ने नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर है बीस बीस में क्या निम्न में से कौन सा लोहा लोहा आयस्क नहीं है तो लोहा आयस्क नहीं ये बताना बीस में तो हेमेटाइड ये भी लोहा आयस्क है मैग्नेटाइड ये भी है लीमोनाइट ये भी है ट्रोना की बात की जाए तो ये सोडियम का है ट्रोना जो होता है सोडियम का आयस्क होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो हो जाएगा आपका डी वाला सही हो जाएगा ये जो तीनों दिए गए हैं ये जो है लोहा आयश्क हैं ये नहीं ये सोडियम का लोहा का है नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर है इक्कीस इक्कीस में क्या छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं तो छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं सारोलॉजी कहते हैं एक्थियोलॉजी एक्थियोलॉजी में क्या होता है मछलियों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी में क्या होता है फलों का अध्ययन किया जाता है कल्चर में क्या होता है एपी कल एपी कल्चर में जो है मछलियों का जो है एपी कल्चर में जो है मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है तो आपका राइट क्या आंसर हुआ छिपकलियों का अध्ययन क्या कहा जाता है सारोलॉजी और क्या होता है पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है एपी कल्चर में जो है जो है मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है और इक्थियोलॉजी में जो है मछलियों का अध्ययन किया जाता है नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर है आपका बाईस इसमें क्या है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है तो विटामिन ए का रासायनिक क्या नाम है थाइमिन है अगर बात की जाए बायोटीन तो विटामिन क्या होता है विटामिन जो है बी सेवन का नाम क्या होता है बायोटीन होता है तो गाइज आपका राइट आंसर क्या हुआ विटामिन ए का नाम क्या होता है थाइमिन तो गाइज़ वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर हमारे करें गाइज वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर आपका तेईसवा है इसमें क्या जीवाणु की खोज सोलह सौ सोलह सौ तिरासी ईस्वी में एंटोनी वन लिविन हाक ने की थी वे किस देश के थे तो इसमें आपको बताना जो जीवाणु के खोज करता था एंटोनी वन लिविन हाक वो जो किस देश के रहने वाले थे ये आपको बताना है कहाँ के थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हालेंड के रहने वाले थे नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर चौबीस है चौबीस क्या है चौबीस में क्या है राष्ट्र सोरीगंज राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है तो यहाँ आपको ये संस्थान बताना है अनुसंधान जो संस्थान जो है राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है तो ये जोरहाट में हो जाएगा जोरहाट ये कहाँ पड़ता है असम में पड़ता है तो गाइज ये लास्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पच्चीसवा है क्वेश्चन नंबर पच्चीसवा है पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है तो पन्नालाल जो घोष हैं ये कौन सा वाद्य यंत्र बताते बजाते हैं तो ये आपको बताना है तो राइट आंसर हो जाएगा बांसुरी ये बजाते हैं और बांसुरी से संबंधित एक और हरि प्रसाद चौरसिया हरी प्रसाद चौरसिया ये गाय कई बार इनसे पूछा गया है हरि प्रसाद चौरसिया वाला क्वेश्चन इसे भी याद रखें ये पन्नालाल घोष हरि प्रसाद चौरसिया ये क्या बांसुरी बजाते हैं तो ये आज के वीडियो में ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन थे करंट अफेयर के भी सम्मिलित किए थे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई भी डाउट है या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं आप थैंक यू गाइज